नमस्कार दोस्तों, चंपावत खबर में आपका स्वागत है। टनकपुर में प्रशासन ने किरोड़ा नाले में खनन को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से रिवर ट्रेनिंग के लिए टेंडर भी निकाले गए हैं। इसी के साथ ही ग्रामीणों ने भी खनन का विरोध शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए शुक्रवार को SDM हिमांशु कपटिया ने थालघड़ा में बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां बताते हुए साफ साफ कह दिया कि जब तक उनके क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं होते हैं और ट्रक पर आने जाने के लिए नाले में पुल का निर्माण नहीं होता, उनका विरोध जारी रहेगा। SDM ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे और परेशानियां दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो आपके यहाँ गया तो मैंने कहा सर आते इसकी उंगलियाँ कटी और इसको ट्रीटमेंट कैसे दें, और दोनों जगह होता सर भाई साहब को फोन करा, इनने का पानी इधर भी रोकड़ है और इसको अभी कहाँ ले जाएंगे, शक्तिमान से भी जाने की व्यवस्था नहीं थी सर। उस आदमी को सर जो है जो रात को 9 बजे हमारे यहाँ पहुँच गया, रात भर हमने जो है सर भाई साहब लोगों ने बैठ के जो है उसको देखा। हमने फिर फोन करा SDM साहब ने कहा अगर सर इसकी डेथ हो जाएगी तो बोले कोई बात नहीं, आपने सूचना दे दी आप जो है सर। रात भर हमने आग जला के कम्बल वम्बल डाल के उसको बैठाए रहा, तो उसको सर अगले दिन जो है 10 बजे जब रोकड़ कम हुआ सर तब ट्रीटमेंट के लिए लेके बाद देहरादून लेना पड़ा, उसकी उंगलियाँ कटी पैरों में चोटता हुआ था। बनाई है हमने कहा कि चैनलाइज अगर करते हैं तो दोनों साइड होना चाहिए, तो उनने कहा दोनों साइड करेंगे, लेकिन वो जो है खाली एक मेड़ बना रखी है। ये पहली बारिश में निकल गया पहले उसमें बह गया, अभी भी हल्की वो है उसमें, दोबारा रिपेयर किया उनने। यहाँ नहीं सर ये नाला है इसका तो हो रहा है। हाँ इसका मेरे ख्याल से अभी एक दो महीने में KMN वालों को मिला है। अच्छा ये शुरू हो जाएगा काम अभी ऊपर से, तो सर गांव के अंदर ये नहीं होता, ये यहाँ से पूरा पूरा रोकड़ है उधर से पूरा वहाँ तक साफ होना। पानी भी ऊपर से जगह जगह बहते रहेगा ना, थोड़ा उस नाले में थोड़ा इस नाले में थोड़ा इस नाले में, तो एक जगह इकट्ठा नहीं जाएगा, हमें भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए तो हो ही रहा है, इसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है और इसको मेरे ख्याल से एक दो महीने में काम भी हो जाएगा। जो बार बार हमें मतलब खनन के नाम पर किरोड़ा के नाम पर जो बार बार परेशान किया जा रहा है, सरकार का पता नहीं क्यों इसमें फोकस है कि किरोड़ा से खनन किया जाए। बकाया जो कि सामने स्थिति है, SDM आज हमारे SDM सर आए हुए हैं, उनके सामने परिस्थिति सामने हमने दिखा भी दिया है, और मतलब ग्रामीण क्षेत्र के कोई लोग भी चाहते हैं कि इसमें खनन ना हो। खनन होने से हमारा जो है रास्ता जो पैदल मार्ग है गाड़ी का मार्ग है वो डिस्कवरिंग होने से ज़्यादा गहरा बन जाएगा, आने वाले समय ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी, काश्तकारों की ज़मीनें बह जाएंगी, इसलिए काश्तकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोई भी नहीं चाहता कि इसमें खनन हो। SDM साहब ने अपने आंखों देखा हाल जनता को बता भी दिया है, वो कह भी रहे हैं कि इसमें वाकई नहीं होना चाहिए, इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। उनका कहना है कि आगे अगर ये फॉरेस्ट वाले यहाँ से खनन करते हैं उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम में जैसे अगर प्रोटेक्शन किया जाए गांव वालों को तो सहमति बन सकती है, तो उनको आश्वासन दे रखा कि ग्राम वालों ने अगर ऐसा हो सकता है प्रोटेक्शन हो जाए, विकास कार्य हमारे थोड़ा सुरक्षा कार्य हो जाएगा, तो उन्हें हमें आश्वासन दे रखा, और हमने भी उन्हें आश्वासन दे रखा कि अगर हमारा ये मार्ग वगैरह सुरक्षित हो जाता है, ज़मीनें सुरक्षित हो जाती है, तो हमें इसमें कोई मतलब भविष्य नहीं आपत्ति नहीं है। चला SDM साहब आए थे गाँव वालों को लेकर, उन्होंने बैठक की, बड़ी पॉजिटिव बात की, बोला वाकई में ये खतरा है, और जो है उन्होंने स्थिति देखी नालों के और गांवों के बीच में देखा, उन्होंने ठोकर में गांव के अंदर पानी घुस रहा है, तो उन्होंने कहा अगर पुल बनता है या गांव वालों की सुरक्षा के लिए कुछ होता है उससे पहले तो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी पॉजिटिव बात की, पहले SDM देखे, हम 4-5 सालों से विरोध कर रहे हैं, पहले ऐसे SDM देखे जिनने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की, और तब तक नहीं होगा खनन जब तक गांव वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। किरोड़ा नाले में रिवर ट्रेनिंग के लिए टेंडर निकाले गए हैं, जिसमें कि हमें ये संज्ञान में आया था कि किरोड़ा नाले के आसपास जो ग्रामीण हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो इसी विषय पे हमारे द्वारा आज थालखेड़ा गांव में एक सभा करी गई, एक ग्रामीणों से एक मुलाकात और एक भेंट करी गई थी ताकि उनकी परेशानियों को समझा जा सके। तो ग्रामीणों द्वारा इस बार भी किरोड़ा नाले में खनन का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि क्योंकि किरोड़ा नाला जो है वो चारों तरफ से या तो शारदा से या किरोड़ा नाले से घिरा हुआ है, तो उनको टनकपुर से कनेक्टिविटी के लिए एक पुल की आवश्यकता है। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि उनके लिए पुल बनाया जाए
और साथ ही में जो किरोड़ा नाले के जो अपर स्ट्रीम है वहां पर पहले खनन किया जाए ताकि उनके गांव को बचाया जा सके। और तीसरा मुद्दा उनका यह है कि उनके लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएं, क्योंकि ग्रामीण काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पहले भी उनकी काफी जमीन इसमें कट चुकी है किरोड़ा नाले से और शारदा नदी से। तो उनकी ये तीन डिमांड है, उनका ये कहना है कि यदि उनकी जो मांगे हैं उन पर कुछ कार्य किया जाएगा तभी वो खनन कार्य शुरू होने देंगे। तो इस विषय में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी और जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा।